महिला डाक्तर को दुष्कर्म एवं हत्या मामलें न्याय पाई डाक्तर मानकर धर्मघट। पश्चिम बंगरे डाक्तरी छात्री को दुष्कर्म और हत्या घटन सारा देश में एवं प्रतिवाद जोर धरी। जड़े कार्यरत महिला डाक्तर प्रति होता अमानवीय बर्बर कांड एवं सारा देश डाक्तर माने एकाठी होती। चिकित्सा छाड़ आज धर्मघट को ओल्लाई सर्वभारतीय चिकित्सक संघ। से ही भली आज राउरकेला सहर आरजीएच और आईजीएच परिसर में डाक्तर माने कला ब्याज पिंधि धारणा देते। पीड़िता परिवार को न्याय और संप्रक्त अभियुक्त मानक फाँसी पर कठोर दंड दिया दावी रखिते। संगे संगे देश में डाक्तर मान सुरक्षा पाई एवं स्वतंत्र आईन लागू करने दावी करते। राउरकेलू विजय प्रधान रिपोर्ट एनडीबी ओडिया। मेरा नाम सोनल है, हम यहाँ पे डीएनबी ट्रेनी है। हमारा डिमांड ये है कि हमको एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए। मतलब ऐसे बहुत सारा इंसिडेंस होता है कि कोई भी कभी भी हॉस्पिटल में आके पहले तो मारपीट करता है और अभी तो बहुत ही बुरा काम किया है वो लोग। तो इसलिए हमारा एक वो हमें एक्ट चाहिए जिसके चलते हमें मतलब एटलीस्ट आगे ये सब चीज़ें अगर नहीं होंगी तो ही हम लोग फिर ड्यूटी कर पाएंगे। वरना ऐसे तो हम लोग नाइट ड्यूटी पे हम लोग रहते हैं, हम लोग इतना सारा इतने टाइम हम लोग अकेले ड्यूटी पे रहते हैं, फिर हम लोग किसके भरोसे फिर हम लोग ड्यूटी करेंगे। इसलिए वही हमारी मांग है, इसलिए हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए बैठे हुए हैं। पीड़ित को परिवार को न्याय मिले, पीड़ित को परिवार को न्याय मिलने के लिए उसको जो हुआ उसको मतलब न्याय मिले, इसलिए भी हम लोग हैं यहाँ पे। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि वो जो किया है वो उसको जल्दी पकड़ेंगे। कोई लॉ नहीं है ना, इसलिए वो लोग ऐसे करके उन लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। अभी कुछ लॉ आने से तो वो लोग ऐसा नहीं करते ना, और वो लोग जल्दी पकड़ाएंगे, वो लोग को जल्दी पकड़ा जाएगा। हम लोग वही चाह रहे हैं कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट जो भी करे वो जल्दी एक्शन ले, क्योंकि जितना डिले होगा फिर धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल वो लोग कर देते हैं, वो चीज़ नहीं चाहिए हम लोगों को। जी सब उद्देश्य क्लियर है। जो 9 अगस्त की रात को जो इनह्यूमन और जो घृणास्पद इंसिडेंस हुआ है, जैसे कि आरजीकर हॉस्पिटल कोलकाता में कि जिस ब्रूटालिटी से और रेप और मर्डर हुआ है, देखिए शुरू में जो वहाँ की जो लोकल जो भी गवर्नमेंट है, पुलिस है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन है, तो किस तरह से ये लोग कवर अप करने की कोशिश कर रहे थे, ये काफ़ी शेमफुल है। मतलब आप ऑटोप्सी रिपोर्ट देखेंगे तो पता चलेगा कि 10 इंजरीज वो लेडी डॉक्टर के बॉडी पे है, 150 ग्राम तक सीमेन मिला है, पेल्विक बोन फ्रैक्चर है, नेक बोन फ्रैक्चर है। तो इतना सब इंजरी और इतना सीमेन मिलने के बावजूद भी शुरू में ऐसा अटेम्प्ट किया गया हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से कि ये सुसाइडल एक्ट है। तो ये जो आरजीकर कॉलेज के जो डीन है संदीप घोषी और वहाँ के जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, वहाँ के जो एचओडी चेस्ट ऑफ मेडिसिन है, तो ये सब लोगों ने जो कवरअप करने का कोशिश किया है, तो हम सब लोग इस सब की निंदा करते हैं और हम चाहते हैं कि ये लोगों का इंट्रोगेशन हो अच्छे से और ये लोगों का रेजिग्नेशन हो। दूसरी चीज़ ये है कि इतना सब होने के बाद भी जो 5,000 से 6,000 गुंडे वहाँ पे भेजे गए हैं, तो उनका क्या मोटिव है, उनको अरेस्ट करके उन्होंने किन लोगों ने उन्हें भेजा है, और जिस तरह से जो समाज जिस डायरेक्शन में जो जा रहा है, तो ये सब देख के काफ़ी डर लग रहा है। तो बिल्कुल ये इंसिडेंट के बाद में सभी डॉक्टर लोगों के जो फैमिलीज में वो डर बैठा है कि हमारे बच्चे वर्क प्लेस में सेफ नहीं है, तो काफ़ी दुख होता है कि जो अपना समाज जिस डायरेक्शन में जा रहा है और जिस तरह से जो रक्षक है वही भक्षक बनते जा रहे हैं। जो पॉलिटिशियन है जिन्होंने जिनसे हमें न्याय की अपेक्षा होती है, अगर वो अब कवरअप करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये काफ़ी शेमफुल है। दूसरा चीज़ ये है कि ऐसे इंसिडेंट्स पास्ट में भी हुए हैं और काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि ये इंसिडेंट्स फ्यूचर में भी हो गए। ये स्ट्राइक करने से, कैंडल मार्च करने से ये प्रॉब्लम हल होने वाला नहीं है, क्योंकि समाज में कुछ ऐसे तत्व है जब तक उनके मन में डर नहीं बैठेगा तब तक ये इशू सॉल्व नहीं होगा। तो इसलिए हम सब लोग चाहते हैं कि जो भी कल्प्रिट्स इसमें इन्वॉल्व है इनका अच्छे से पूरा इन्वेस्टिगेशन करके इनको फांसी पे लटकाए, क्योंकि जब तक समाज में डर नहीं बैठेगा तब तक ये इंसिडेंसेस बंद नहीं होगा।